मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली नई वीडियोस मौसूल हो सकें, और ये बिल्कुल फ्री है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम है डॉक्टर मज़हर वारिस। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की ज़िंदगियों में बरकतें अता फ़रमाए और रहमतें अता फ़रमाए। तो शुरू करते हैं, आज आपका वीक कैसा रहेगा? 22 अक्टूबर से 28 अक्टूबर 2018। तो पहले शुरू करते हैं बुर्जे हमल वाले लोगों का जायचा। बुर्जे हमल वाले लोगों के जायचे में इस हफ्ते में दोस्तों के साथ जो उनके मामलात हैं वो कशीदा नज़र आ रहे हैं, यानी कि उनके दोस्तों के दरमियान गलत फहमियाँ पैदा होंगी, ब्रेकअप होते नज़र आ रहे हैं और दोस्तों से ताल्लुकात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं। पॉजिटिव चीज़ की अगर बात करें तो इनकी शादी के लिए बहुत अच्छा टाइम है, कोई प्रपोज़ल आ सकता है, इंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है, शादी होती नज़र आ रही है। और प्लस पॉइंट ये है कि इनकी पसंद की शादी होती नज़र आ रही है। जो लोग पसंद की शादी उनके मैटर चल रहे हैं तो वो इस वीक के अंदर उनकी पसंद की शादी तय होती नज़र आ रही है। और मज़ीद बात करें तो इनके कारोबार के अंदर भी बेहतरी नज़र आ रही है, कारोबार के हवाले से इनके लिए बहुत अच्छा टाइम रहेगा। बुर्जे सौर वाले अफराद के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से प्रॉब्लम्स की निशानदेही हो रही है, प्रॉपर्टी के डिस्प्यूट नज़र आ रहे हैं और इस हवाले से आपने केयरफुल रहना है, एहतियात करनी है। लेकिन कारोबार के अंदर बेहतरी नज़र आ रही है, नया काम शुरू करना वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और इनके लिए भी शादी के जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव टाइम चल रहा है शादी के लिए इस वीक में। बुर्जे जौजा वाले अफराद के लिए मोहब्बत के हवाले से बहुत अच्छा वीक है, लव मैटर इनके बहुत अच्छे रहेंगे, नए लोग इनकी लाइफ के अंदर दाखिल होंगे और तालीमी तौर पे इनके लिए बहुत अच्छा टाइम चल रहा है, तालीमी तौर पे इनको शानदार कामयाबी मिलती नज़र आ रही है। बच्चों के हवाले से अच्छा टाइम रहेगा, उनकी सेहत के हवाले से, या जिनके यहाँ औलाद नहीं है उनको औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। बुर्जे सरतान वाले अफराद के लिए जायचे में इस वीक में जो अहम चीज़ है वो आपको ड्राइविंग में एहतियात करनी है, और ड्राइविंग से पहले सदका खैरात इस तरह की चीज़ें करें। कहीं आप सफ़र कर रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, अंदरून मुल्क बैरून मुल्क, तो आपने सदका खैरात करके निकलना है, हादसा होने के इम्कान नज़र आ रहे हैं। और दूसरी अहम चीज़ नज़र आ रही है कि बैरून मुल्क आपका सफ़र नज़र आ रहा है, जो लोग बैरून मुल्क जाना चाहते हैं उनके लिए सफ़र की इंडिकेशन हो रही है, और इमिग्रेशन के हवाले से आपके लिए अच्छा वक्त है, और हायर एजुकेशन के लिए जो लोग बाहर जाना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही पॉजिटिव टाइम रहेगा। बुर्जे असद वाले अफराद के लिए 24 अक्टूबर तक सेहत के मसाइल उनके नज़र आ रहे हैं, ज़हनी दबाव का शिकार नज़र आ रहे हैं, और जैसे ही 24 तारीख गुजर जाएगी तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह सेहत के हवाले से अच्छा टाइम होगा, ज़हनी दबाव ख़त्म हो जाएगा, टेंशन डिप्रेशन ये चीज़ें ख़त्म होती नज़र आ रही हैं। माली तौर पर इनकी पोजीशन मुस्तहकम नज़र आ रही है, अच्छी मजबूत नज़र आ रही है, लेकिन इस हफ्ते में इनको कोई लीगल प्रॉब्लम की निशानदेही हो रही है, कोई कानूनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, कोई एग्रीमेंट करते हैं, तो इस हवाले से आपने कंसल्टेशन करनी है अपने लीगल एक्सपर्ट से ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। जॉब करने वाले अफराद के लिए अच्छा टाइम होगा, उनको अपग्रेडेशन, नई अपॉर्चुनिटीज़, सैलरी में इजाफा, इस तरह की चीज़ें मिल सकती हैं। और कारोबार के अंदर जो लोग कारोबार कर रहे हैं लियो, उनके लिए बहुत अच्छा टाइम होगा। बुर्जे सुंबला वाले अफराद के लिए कारोबार के अंदर बेहतरी नज़र आ रही है, कारोबार चलना शुरू हो जाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होगी, तरक्की होगी, ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। दूसरी अहम चीज़, आपको रिश्तेदारों से ताउन मिलता नज़र आ रहा है, माली तौर पे, सोशल, इखलाकी तमाम सपोर्ट आपको मिलती नज़र आ रही है। और बैरून मुल्क आपका सफ़र नज़र आ रहा है, बच्चों की तरफ से आपको केयरफुल रहना चाहिए, कोई परेशानी की निशानदेही हो रही है। बुर्जे मीज़ान
बुर्ज मिजान वाले अफराद के लिए शादी के हवाले से अच्छा टाइम है। शादी इस टाइम में हो सकती है, एंगेजमेंट हो सकती है, निकाह हो सकता है। और दूसरी अहम चीज़, दोस्तों से माली तआवुन आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आपके दोस्त आपको फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, और कोई भी आपके मंसूबे पेंडिंग है तो वो आप मंसूबे उसको पाया तकमील तक पहुँचा सकेंगे। और जॉब करने वाले अफराद के लिए इसमें आपने ज़रा केयरफुल रहना, इस वीक में कोई प्रॉब्लम्स, कोई आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। बुर्ज अकरब वाले अफराद के लिए 24 तारीख से सेहत की खराबी नज़र आ रही है, और जो अपने जिनकी प्रॉपर ट्रीटमेंट चल रही है वो अपने डॉक्टर से मशावरत करें, कंसल्टेशन करते रहें, और जहनी दबाव का शिकार भी नज़र आ रहे हैं। तो इस हवाले से आपने एहतियात करनी है। आपके लाइफ पार्टनर शरीक हयात के हवाले से अच्छा टाइम है, वो आपको सपोर्ट भी करेगा, और आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारी जो चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं वो कंसल्टेशन भी आपके साथ करेंगे। और जॉब के हवाले से भी आपके लिए एहतियात का टाइम होगा, तो प्लीज़ आप जॉब के हवाले से अपनी जॉब पर फोकस करें ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। बुर्ज कौस वाले अफराद के लिए प्रॉपर्टी के हवाले से ये वीक अच्छा रहेगा, यानी प्रॉपर्टी की सेल कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, उस हवाले से आपके लिए अच्छा रहेगा। और घरेलू तौर पे जो माहौल है वो भी अब बेहतर होना शुरू हो जाएगा। घर में जो प्रॉब्लम्स या टेंशन का माहौल है ये भी खत्म होना शुरू हो जाएगा। माली तौर पे आपको ज़रा मोहतात रहना है, किसी को कर्ज नहीं देना या पैसे इन्वेस्ट नहीं करने, नुकसान होने का इम्कान नज़र आ रहा है। बुर्ज जद्दी वाले अफराद के लिए मुलाजमत करने वाले अफराद के लिए अच्छा टाइम है, उनकी अपग्रेडेशन नज़र आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलती नज़र आ रही हैं, नए मौके मिलेंगे उनको, और उनकी जो तबीयत है वो मोहब्बत की तरफ माइल रहेगी। अफेयर शुरू होते नज़र आ रहे हैं, और ख़ुसूसन जहां आप काम करते हैं वहां पर आपके कोई लव अफेयर, आपका इस तरह के मैटर्स नज़र आ रहे हैं। बुर्ज दल वाले अफराद के लिए अगर मैं बात करूं तो शरीक हयात के हवाले से बहुत अच्छा टाइम होगा। आपके लाइफ पार्टनर आपको सपोर्ट करेगा, फाइनेंशियल सपोर्ट करेगा। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तो आपका पार्टनर जो है वो भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा फाइनेंशियली। दूसरी इसमें अहम चीज़ नज़र आ रही है कि बैरून मुल्क आपका सफ़र नज़र आ रहा है, बैरून मुल्क आप सफ़र करते नज़र आ रहे हैं, और हायर एजुकेशन के लिए अगर आप जाना चाहते हैं तो वो भी आपका सफ़र नज़र आ रहा है। बुर्ज हौत वाले अफराद के लिए जॉब्स के अंदर एहतियात करनी है, जॉब पर फोकस करें, जॉब के हवाले से कोई परेशानी नज़र आ रही है। बैरून मुल्क से आपको नौकरी के हवाले से ऑफर होती नज़र आ रही है, आपको ऑफर मिल सकती है, अपॉइंटमेंट लेटर मिल सकता है, और बैरून मुल्क आपका सफ़र भी नज़र आ रहा है। लेकिन बच्चों की तरफ से आपने एहतियात करनी है, उनकी सेहत के हवाले से और मुख्तलिफ मैटर से किसी भी परेशानी की निशानदेही हो रही है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।